नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। आज बात करेंगे महागठबंधन की। महागठबंधन में जीतन राम मांझी अब कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बनते जा रहे हैं, क्योंकि या फिर ये कहें कि आरजेडी के लिए शायद गले की हड्डी बनते जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी को पता है कि चुनाव से पहले जीतन राम मांझी को सीधे तौर पर अगर नकार देंगे, सीधे तौर पर उनकी मांग को खारिज कर देंगे, तो इसका नुकसान महागठबंधन को होगा। जीतन राम मांझी छिटक जाएंगे। भले ही आरजेडी को लगता हो कि जीतन राम मांझी या उनकी पार्टी की ताकत इतनी नहीं है कि महागठबंधन को बहुत नुकसान हो, लेकिन उन्हें यह जरूर पता है कि चुनाव से पहले अगर यह झटका लगता है तो इसका जनता के बीच मैसेज जो जाएगा वो बहुत खतरनाक हो सकता है। जनता को अगर ये लग गया चुनाव से पहले कि ये गठबंधन, फला गठबंधन जो है उसमें कहीं अस्थिरता है, उसमें कहीं खटपट चल रही है, तो जनता फिर दूसरे गठबंधन की तरफ स्वाभाविक तौर पर चली जाती है। और यही एनडीए चाहता है कि जीतन राम मांझी और आरजेडी के बीच जो दूरियां बढ़ रही हैं वो और बढ़ें, और एनडीए को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही क्योंकि अपने आप महागठबंधन में आग सुलगती जा रही है। कांग्रेस इस बीच जरूर मोर्चा संभाल रही है। कांग्रेस जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि जीतन राम मांझी को मनाए और महागठबंधन को एकजुट करें, क्योंकि कांग्रेस लगातार एक दो दिन से जो बयान आ रहे हैं उसमें कांग्रेस कह रही है कि बिहार की जनता बड़ी उम्मीद लगा रही है महागठबंधन से। एक रिपोर्ट आप देखिए, जीतन राम मांझी के बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। महागठबंधन में रूठने मनाने का दौर, मांझी पर जेडीयू और बीजेपी की भी नजर। चुनाव से पहले मांझी का मंडोला, चुनाव सिर पर है और बिहार की राजनीति में रूठने मनाने का दौर चल रहा है। मांझी रूठे हैं, महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन चाहते हैं और इस कोऑर्डिनेशन पर लालटेन जलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पंजा टेलीफोन फिसलने देना नहीं चाहता है, तो फिर क्या होगा? मैं समझता हूं कि अगले दौर के बातचीत में जो भी कुछ इपट है आपस में उसका समाधान निकलेगा और हमारा गठबंधन मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ेगा। इसलिए मांझी जी को लेकर जो भी लोग कयासबाजी कर रहे हैं या एनडीए गठबंधन के लोग जो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं उसमें कोई भी दम नहीं। हमारे नेता विरोधी दल श्री तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि जीतन बाबू मांझी जी हमारे अभिभावक हैं। अब उनको फैसला लेना है कि वो एनडीए के डूबती नैया पर सवार होंगे या महागठबंधन को मजबूती प्रदान करेंगे और तेजस्वी यादव जी को अपना आशीर्वाद देंगे। कांग्रेस प्रभारी तो मांझी को मनाने में जुटे हैं, मुलाकात भी की, लेकिन बात अभी तक पक्की नहीं हुई है। मांझी किसके साथ हैं? हाँ, कांग्रेस ने मांझी से थोड़ा वक्त जरूर मांगा है, लेकिन इस थोड़े वक्त में कहीं मांझी पर जेडीयू का तीर चला तो फिर मांझी कमल खिलाने न निकल जाए। देखिए, ये तो उनकी पार्टी का मामला है, उनका गठबंधन का मामला है, कौन कहाँ रोक रहा है, कहाँ नहीं रोक रहा है। अगर वो ऑफर करेंगे तो निश्चित उनके बारे में विचार किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। जीतन राम मांझी एक सुलझे हुए नेता हैं और बहुत ही उनको अनुभव है। जीतन राम मांझी किसी लोभ में फंसने वाले राजनेता नहीं है। जीतन राम मांझी अपना रास्ता खुद तय करेंगे। वैसे अब मांझी क्या करेंगे इस पर सबकी नजर है, लेकिन तोल मोल की राजनीति में जीतन राम मांझी को कौन क्या ऑफर करता है इस पर भी उनका फैसला निर्भर करता है। अब थोड़े दिनों में ही पता चल जाएगा कि मांझी को किसका ऑफर बढ़िया लगा। शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। चलिए अब हम एक बार अपने मेहमानों का परिचय आपसे कराते हैं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है महागठबंधन में। हमारे साथ आरजेडी की तरफ से पार्टी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। ये दोनों महागठबंधन की तरफ से हैं। एनडीए की बात करें तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजफर शमसी साहब हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत महागठबंधन से ही बनती है। अख्तरुल साहब, ये जरा बताएं कि जीतन राम मांझी जो कुछ भी कह रहे हैं या उनकी पार्टी जो मांग कर रही है, हालांकि पहले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से मैं बात करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप जरा एक शब्द में यह बता सकें कि क्या उनकी जो मांग है
कोऑर्डिनेशन कमेटी की, उसको लेकर आरजेडी हां या ना क्या कहने की स्थिति में है? चलिए, लगता है शाहीन साहब बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मुझे लग रहा है तकनीकी समस्या है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, काल चल रहा है, और इस वक्त सारे लोग अलग अलग जगह से तमाम तकनीकी माध्यमों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ समस्या भी आ रही है। विजय यादव जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए। चलिए, हम चाह रहे थे कि आरजेडी से पहले हाँ ना में पूछ लेते ताकि पता चल जाता कि आप आगे क्या करने वाले हैं, लेकिन बताइए जरा, आरजेडी का अब तक का जो रुख है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये कहें कि स्पष्ट भले ही ना हो लेकिन ना की तरफ ज्यादा दिखता है कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए तैयार नहीं दिखती। ऐसे में क्या ये ऊहापोह की स्थिति रहेगी या बहुत जल्द आप फैसला करेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल कोरोना और लॉकडाउन की वजह से आपकी मीटिंग टल गई है? कप्तान जी, ऐसा है कि महागठबंधन में हम लोग हैं, मजबूती के साथ हैं। रहा जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए हम लोगों ने मांग किया था, अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतनराम मांझी पर छोड़ दिया है कि आप जो निर्णय लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और कांग्रेस से भी पहल चल रही है, सबसे महागठबंधन में हर का एक ही डिमांड है, कोऑर्डिनेशन कमेटी। तो मुझे लगता है, पूर्ण विश्वास है कि जो पहल चल रही है कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी। तेजस्वी यादव भी नहीं चाहेंगे कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिना महागठबंधन टूट जाए, कोई भी कांग्रेस भी नहीं चाह रहा है, उपेंद्र कुशवाहा भी नहीं चाह रहे हैं। नहीं, ये तो आप उम्मीद जता रहे हैं ना, ये तो आप उम्मीद जता रहे हैं कि तेजस्वी यादव नहीं चाहेंगे, लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव को लीजिए या तमाम लोगों के जो बयान आए हैं वो तो यही आया है कि कोऑर्डिनेशन सब कुछ अच्छा चल रहा है, इसके लिए कोई कमेटी बनाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, पहले क्या बयान आया नहीं आया, लेकिन अभी जो वार्ता चल रही है बहुत ढंग की चल रही है, और मुझे विश्वास है कि ये लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे या कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर हम लोग एनडीए गठबंधन से लड़ने का काम करेंगे, और वैसे हम लोग चुनाव की तैयारी कर रखा है और अपने अपने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में भी भेजने का काम किया कि जहां से जिसको चुनाव लड़ना है तुम तैयारी करो, हम लोग तैयार हैं। ठीक है शाहीन साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि आप बोले ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच जाए। क्या लगता है आपको, अगर जीतन राम मांझी इस बात पर अडिग रहते हैं कि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी पर ही राजी होंगे, अगर वो कमेटी बनती है तभी वो गठबंधन में रहेंगे वरना नहीं रहेंगे, आरजेडी का क्या स्टैंड होगा? बहुत ज्यादा घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है हां ना में भी इसका जवाब आप दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी के लिए आरजेडी का स्टैंड क्या है? क्या बात जा रही है आपको? जी जी, बिल्कुल आ रही है शाहीन साहब। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव में कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारा था तमाम दलों के साथ, और अभी भी 4 महीना समय है इलेक्शन में, और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगा और जल्द ही बनेगा, चाहे उसका नाम कोऑर्डिनेशन रखे चाहे जो भी रखिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस हमारे गठबंधन में कांग्रेस भी है, वाम दल भी है, और तमाम RLSP है, VIP है, मांझी जी भी है, लेकिन कोई दल इस पे किसी तरह का कंफ्यूजन हमारे साथ नहीं है। और चुनाव नजदीक आ गया है, इस महीने में हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल तमाम दलों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाएगा, एक समिति बनाएगी, एक बैठक करेगी, बैठक का दौर शुरू होगा। मुझे नहीं लगता है कि किसी एक दल को इसमें नहीं, मुझे लग रहा है कि आप इसको शाहीन साहब बहुत उलझाने की भी जरूरत नहीं है। आप बताएं कि बैठक तो ऐसे भी होती रहती है, क्या कोई कमेटी बनेगी? कमेटी पर मैं फोकस कर रहा हूं, क्योंकि उनका कहना है कोऑर्डिनेशन कमेटी। वो नाम क्या होगा, वो कोऑर्डिनेशन होगा कि ये क्या होगा, ये जब तमाम दल के लोग बैठेंगे, शीर्ष नेतृत्व बात करेंगे, तो निश्चित रूप से तमाम दल मिल करके हम लोग तय करेंगे, और इसी महीने में करेंगे, चाहे उसका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी हो या कोई कमेटी हो, ये तमाम दल मिलकर के करेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी एक बड़ी पार्टी है देश की, वो भी है, वाम दल भी पूरे नेशनल लेवल की पार्टी है, वाम दल वो भी है, तो तमाम दलों के मशवरे से। अब शाहीन साहब, आप शाहीन साहब कहां उलझा रहे हैं लोगों को, सियासत को समझने वाले सब जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं, देखिए कैंपेन कमेटी अलग होती है, इलेक्शन कमेटी अलग होती है, तो आप कौन सा दूसरा नाम देंगे? कोऑर्डिनेशन कमेटी ही कही जाती है, उसका कोई दूसरा नाम थोड़ा ही ना हो जाता है। तो निश्चित रूप से बनेगा,
निश्चित रूप से बनेगा। अभी सब दल अपने अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं। हाँ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसी महीने के अंत तक तमाम दलों के साथ हमारा एक कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है, और हमारा संवाद होगा और एक कमेटी बनेगी और तमाम दल के जो गठबंधन की तमाम प्रक्रियाएं हैं, सीट वगैरह शेयरिंग की तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो इस महीने में होगी। मुझे नहीं लगता है कि इसमें, ठीक है, अजफर शमसी साहब, कहीं एनडीए को ये उम्मीद जरूर है और एनडीए को पता है, जो मैंने शुरू में ही कहा कि ये सबको उम्मीद होती है कि अगर चुनाव के समय आपके विरोधी जो हैं उनमें थोड़ी सी भी खलबली मचती है तो उसका मैसेज जनता में चला जाता है। क्या आपको लगता है कि जो मैसेज जिस एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है? हाँ ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, मैं बात नहीं पता है कि एनडीए के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन कौन है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, शमसी साहब बताएंगे। शमसी साहब क्या आप इसी उम्मीद पर हैं कि महागठबंधन में कुछ हलचल बढ़े और उससे जनता के बीच ये मैसेज चला जाए कि महागठबंधन कमजोर है, एनडीए मजबूत है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिहार की जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जीतन राम मांझी जी बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर है और उनको कहा भी जाता है महागठबंधन के लोग तो गार्जियन है। बार बार जीतन राम मांझी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात की, लेकिन उनकी मांगों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और कूड़ेदान में फेंक दिया गया तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि महागठबंधन में क्या स्थिति है। जहां तक दूसरे नंबर की पार्टी कांग्रेस है, वो 15 साल से जंगल राज में पालकी उठाई है आरजेडी की, और तीसरे और चौथे नंबर की तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो महागठबंधन जो है वो छोटे का मुरब्बा है और उनके जो मुखिया है वो सजा याफ्ता है और वो हजार जेल में बंद है, वो मुखिया कभी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से महागठबंधन है। ये महागठबंधन नहीं, ठगबंधन है, और उस ठगबंधन में एक परिवार है और उस परिवार के अंदर भी चार गुट है। इसीलिए इनका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात, ऐसी ही मांग एनडीए में भी उठी थी जिसका अभी जिक्र कर रहे थे शाहीन साहब, लेकिन उस मांग का क्या हुआ, कुछ बताएंगे क्या? एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। नहीं, मजबूत है, महागठबंधन भी कह रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं कि मजबूत है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। और किस प्रकार से 40 में 40 सीट एनडीए जीती, मैं ये बता रहा हूँ कि एनडीए में पूरी एकजुटता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहले कह चुके हैं कि एनडीए के में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो नीतीश कुमार की अगुवाई में होगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमारे यहाँ कहीं ठीक है। राजीव रंजन जी, अगर जीतन राम मांझी कहीं लगता है ऐसा कि एनडीए की तरफ बढ़ते हैं तो एनडीए का क्या रुख होगा? हालांकि ये हो सकता है कि काल्पनिक सवाल लगे, लेकिन चुनाव से पहले इस तरह के सवाल बहुत वाजिब होते हैं और ये होता भी है। अगर जीतन राम मांझी बढ़ते हैं एनडीए की तरफ तो क्या आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को गले लगाने को तैयार हैं? क्योंकि कुछ खटास आई थी रिश्तों को लेकर, अगर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा आपकी तरफ बढ़ती है तो। देखिए, सबसे पहले एक मिनट शमसी साहब, हम पार्टी को ये तय करना है। एक मिनट, राजीव रंजन जी कुछ कह रहे हैं, शमसी साहब एक मिनट जी। हाँ राजीव जी, आप बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो अभिषेक जी, एक बात बिल्कुल साफ है, महागठबंधन में हम पार्टी की बेचैनी सब लोग समझ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव को जनता ने नकारा, महागठबंधन के साथी जिस तरह से आंखें दिखा रहे हैं, उसकी एक वानगी है जिस तरह से जीतन राम मांझी जी की नाराजगी अब सामने आ रही है। लेकिन फैसला उनको करना है, उनकी पार्टी को करना है। अगर उनकी ओर से कोई प्रस्ताव आएगा तो निसंदेह हमारी पार्टी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन ये आपने पहले ही कहा है, काल्पनिक परिस्थिति है और इसमें कई किंतु परंतु के बाद अगर एक मसौदे के तरफ उनकी पार्टी पहुंचती है कि हम फैसला लें और उसके बाद एनडीए की तरफ बढ़ें, तो निसंदेह वो परिस्थिति दूसरी होगी। एक बात बिल्कुल साफ है, ऐसी स्थिति क्यों होती है? जनता ने पहले नकारा, अब तेजस्वी यादव के अहंकार ने महागठबंधन के साथियों को नाराज कर दिया। विरासत में सोने की चम्मच लेकर के तेजस्वी जी आए, पूरी पार्टी उनके साथ लामबंद खड़ी थी, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को उन्होंने नाराज किया, कार्यकर्ताओं से संवादहीनता की स्थिति बनी,
जो महागठबंधन के अंदर दल थे, लोकसभा में कांग्रेस को हैसियत में रखने के लिए हम आरएलएसपी और वीआईपी जैसी पार्टियों को उन्होंने तरजीह दी, और जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ तो फिर इन लोगों को भी वो ठीक करने में लग गए। तो अब इनके भरोसे के साथ कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं, और तेजस्वी यादव पर किसी को भरोसा नहीं कि वो पार्टी को चला पाएंगे, अलायंस को चला पाएंगे। तो ये परिस्थिति पैदा करने की जिम्मेवारी तेजस्वी यादव पर है। हम इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उनकी पार्टी उनका अलायंस टूटता है, उनके जो दल हैं वो जनता के जनादेश के लिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो निस्संदेह वो परिस्थिति बिहार की जनता की भावनाओं के बिल्कुल। विजय यादव जी इसको आप जरा खुद समझिए कि पहले आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते हैं तो कड़वाहट इस तरह से बढ़ जाती है कि तेजस्वी यादव तो ये तक कह देते हैं कि वो जीतन राम मांझी से वो बात नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को बात करना है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, उनसे बातचीत कर लीजिए। उसके बाद आपकी पार्टी ये कहती है कि अगर वो बातचीत होगी तो हमारे प्रखंड अध्यक्ष जो है वो जाकर बात करेंगे। ये कड़वाहट नहीं तो क्या है? जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं तो इससे पता चल जाता है कि पार्टियों के बीच रिश्ते किस तरह के हैं। अब क्या ऐसे में मुमकिन है कि आप महागठबंधन में सहज तौर पर रह सकें? ऐसा है कप्तान जी कि यहाँ कोई किसी को ना नीचा दिखाया जा रहा है ना ऊंचा दिखाया जा रहा है। एक चीज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ और मत बताइए, अगर नीचा दिखाना नहीं है तो क्या है? क्या जगदानंद सिंह से बात करने के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के किसी प्रखंड के अध्यक्ष प्रमुख जाएंगे? नहीं, ये क्या था मुझे बताए ना कि अगर ये नीचा नहीं दिखाना था तो था क्या? आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए तो मैं ये सवाल छोड़ दूंगा, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। स्पष्ट कर दीजिए कि वो क्या था। नहीं नहीं कप्तान जी, देखिए मैं आप ही के बात बताता हूँ। देखिए जितने महागठबंधन के शीर्ष लीडर हैं, आप जो बार बार महाभारत मांझी का महाभारत दिखा रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने महागठबंधन के शीर्ष लीडर हैं वो समझदार हैं, जानकार हैं, और वो ये भूल नहीं करेंगे। जो शीर्ष लीडर है कौन अभी तो मुझे इस पर भी अब आशंका होने लगी है। शीर्ष लीडर है कौन? जी एक सेकंड, है कौन? जब जीतन राम मांझी से तेजस्वी यादव बात करने को तैयार नहीं है तो फिर शीर्ष है कौन? हमारे राष्ट्रीय प्रमुख श्री जीतन राम मांझी सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की है। मुझे लगता है कि ये लोग समझदार है, मांझी जी को कहीं नहीं जाने देंगे। लोग मांझी जी को बनाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और उनको अगल करेंगे। देखिए मांझी जी दलित का बड़े चेहरे हैं, यदि जिस दिन महागठबंधन से निकल जाएंगे उस दिन बहुत महागठबंधन को दिक्कत होगी। इसलिए हम लोग कहीं महागठबंधन से अलग नहीं है, महागठबंधन में है अभी तक, और मुझे विश्वास है आप बेचारे की भूमिका में तो नहीं आ गए। मैं विजय जी, ये जो थोड़ा कड़वा सवाल है, आप बेचारे की भूमिका में तो नहीं आ गए कि आपको लग रहा है कि वो हमें मना ले, हमें मना ले? बार बार आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि हमें मना ले? खुद वो मनाने आएंगे ना? हम मानने या मनाने की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही मांग है कोऑर्डिनेशन कमेटी। वो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख शाहीन साहब, अभी तो लॉकडाउन। क्या तेजस्वी यादव को जीतन राम मांझी का कद इतना बड़ा नहीं लगता कि वो बैठकर बात कर ले? क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि जीतन राम मांझी को बात करने के लिए किसी दूसरे नेता के पास जाना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हम लोग के लिए आदरणीय रहे हैं, और तेजस्वी यादव हमेशा उनको आदर से पितातुल्य मानते हैं, और हम लोग लगातार जब भी इन लोगों की मुलाकात हुई है तो उसी आदर के साथ हुई है, और इस तरह की बात नहीं है। जहां तक और अब मुलाकात होती ही नहीं, बात करने की बात है, और अब मुलाकात होती ही नहीं, बैठ के बात ही नहीं करते लोग, उससे बात नहीं होता है। पहले जो प्रदेश अध्यक्ष लोग होते हैं वो लोग प्रथम बातचीत की शुरुआत करते हैं, उसके बाद ये मामला शीर्ष नेतृत्व तक आता है। जैसे हम सीधे राहुल गांधी के पास भी नहीं चले जाएंगे, हमारी पार्टी राहुल गांधी जी के पास या सोनिया गांधी के सीधे नहीं जाएगी, पहले प्रदेश अध्यक्ष जो उनके हैं उनसे बातचीत होगी, उनके साथ बैठकों का दौर होगा, किसी नतीजे पे आएंगे उसके बाद वो वहां पहुंच जाता है। इसीलिए इसको पंचायत अध्यक्ष बनाना, प्रखंड अध्यक्ष बताना, मुझे लगता है कि ये शैली ठीक नहीं है। हम ये पूछना चाहते हैं कि नहीं, उन्होंने कह दिया कि अगर महागठबंधन से आपने जीतन राम मांझी को जाने दिया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये सीधे तौर पर ऐलान है। वीआईपी के मुकेश सहनी पर करने का काम किया, आरजेडी के साथ बैठ कौन रहा है? आरजेडी के साथ बैठ कौन रहा है? मुकेश सहनी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो और कांग्रेस हो, यही लोग साथ में बैठते हैं। जनता पार्टी कभी भी गठबंधन को
भारतीय कभी भी किसी भी गठबंधन को सम्मान देने का काम नहीं किया है, पूरे देश में इसका इतिहास है। वहां भी अगर लड़ाई होगी तो उस पर भी हम बात कर लेंगे, वहां भी इस तरह की लड़ाई शुरू होगी तो। लेकिन फिलहाल ये बहुत जरूरी है ना कि आप बैठकर बात करें। शमसी साहब, ये किस तरह का गठबंधन आपको लग रहा है जहां हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, RLSP, VIP और कांग्रेस ये साथ बैठ रहे हैं, RJD माइनस होता है कि तमाम छोटे दलों को खत्म कर देना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, तो वैसे दलों में कोई नहीं जाएगा। इस बात ठीक है शाहीन साहब, एक मिनट। हाँ शमसी साहब, बहुत छोटा जवाब, 30 सेकंड। ऐसा है, हाँ बिल्कुल छोटा ही जवाब दे रहे हैं। जहाँ पर वंशवादी लोग ठोक दिए जाते हैं और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, तो वंशवादी पार्टी में तेजस्वी जी ठोक दिए गए हैं। नतीजा क्या है कि इनके सामने चाहे कांग्रेस हो, हम पार्टी हो या RLSP हो, किसी की हैसियत नहीं है। इसीलिए बार बार जीतम राजीव रंजन जी 10 सेकंड में आप अपनी बात में राजीव जी देखिए एक बात बिल्कुल पांच दल में सिर्फ चार दल एक साथ बैठते हैं, RJD ही माइनस रहती है। भविष्य में RJD को जनता नहीं चाहती है, महागठबंधन के साथी नहीं चाहते, उनकी पार्टी में एक बड़ा विभाजन हो चुका है और यह पार्टी और इनका अलायंस चुनाव के पहले ही धराशायी हो चुका है। इसीलिए ये बहानेबाजी है केवल औपचारिक ऐलान के लिए, लेकिन इतनी बात है तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ये महागठबंधन अगले चुनाव में लड़ेगा नहीं। आप ये मतलब आपको पूरा यकीन है कि तेजस्वी यादव नेतृत्व नहीं करेंगे महागठबंधन का? महागठबंधन का नेतृत्व उन्हें जनता नहीं करने देना चाहती है। महागठबंधन का कोई वजूद ही इसलिए नहीं है कि इसमें शामिल तमाम दलों को तेजस्वी यादव के नेतृत्व के सवाल पर संदेह है, उनकी स्वीकार्यता को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव जिताऊ नेता के तौर पर उनकी छवि नहीं है 2019 में। यानी NDA का मानना है कि तेजस्वी यादव नेतृत्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि महागठबंधन के साथ उन्हें नेतृत्व करने ही नहीं देंगे। और जीतन राम मांझी की पार्टी भी ये दावा कर रही है कि अगर वो छिटक गए तो महागठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही, बने रहिए ZEE बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।